तो हाय स्टूडेंट, आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर इतना दिया हुआ और ए बराबर ए मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है आबयु की कोटि बताइए। तो आबयु की कोटि पूछ रहा है तो इसका हम लोग कोटि बता देंगे। तो इसमें रो की संख्या, तो रो की संख्या कितना 3 और कॉलम की संख्या कितना 1, 2, 3 और 4, कॉलम की संख्या 4। तो ये हो गया क्या आबयु का कोटि 3×4। फिर से अगर आबयु की कोटि पूछे तो इसमें गिन लेंगे रो की संख्या, कितना रो है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो और इसको बोलते हैं सेकेंड रो और ये होता है थर्ड रो। और ए ए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ए आपका फोर्थ कॉलम। तो कितना रो की संख्या 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4, तो कॉलम की संख्या 4। अगर दोनों को मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख दे वही क्या कहला जाता है आबयु का कोटि। अगले करा आबयु की संख्या बताए, तो इस आबयु में आबयु संख्या बताए। तो इस आबयु में अवयवों की संख्या जब पूछे तो इस आबयु के कोटि को गुना कर दे, कितना आ जाएगा 12। तो इसमें काउंटिंग भी करेंगे तो आबयु की संख्या कितना मिलेगी 12। अगला कह रहा अवयव पहला रो तीसरा कॉलम का अवयव बताइए। क्या पूछ रहा है ए पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसमें पहला रो R1 और तीसरा कॉलम C1, तो कौन मैच किया 19, तो 19 हो जाएगा। अगला दूसरा रो पहला कॉलम पूछ दिया, अगर दूसरा रो पहला कॉलम पूछ दिया तो यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम तो क्या आ रहा 35, तो 35 हो जाएगा। अगले पूछ रहा है तीसरा रो तीसरा कॉलम पूछ रहा है, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम क्या आ रहा है -5, तो -5 हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो ए दूसरा रो R2 ए दूसरा रो और चौथा कॉलम, चौथा कॉलम तो क्या आ रहा है 12। फिर कहा जा रहा है दूसरा रो तीसरा कॉलम बताइए, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो क्या आ रहा है -5, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ए दूसरा रो है तीसरा कॉलम मतलब -5, तो यहाँ पे सॉरी 5/2 क्या है 5/2 तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग सारे का भी फाइन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा यदि किसी आबयु में 24 अवयव हैं, आबयु में कितने अवयव हैं 24 अवयव, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में अवयवों की संख्या, अवयव कितने अवयव हैं 24 अवयव है कह रहा है, तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, इसकी कोटि की संख्या पूछ रहा है कितने इसके कोटि होंगे। तो 24 अवयव हैं तो इसके कोटि अगर कह दे ज्ञात करने के लिए तो इसका फैक्टर तोड़ देंगे। तो 24 का फैक्टर क्या क्या टूटेगा 1 × 24, 2 × 12 और 3 × 8 और यहाँ पे 4 × 6 और यहाँ पे और किसी से टूटेगा नहीं, तो इसको ऐसे तोड़ सकते 6 × 4 फिर 8 × 3 और 12 × 2 और 14 × 1। तो ए आपका जितना फैक्टर 24 का हो सकता है 24 का सारा फैक्टर तोड़ दी और इतना ही फैक्टर टूट सकता है, यही फैक्टर कहला जाएगा क्या आबयु की कोटि, यही कहला जाता है आबयु की कोटि। फिर करा आदि इसके 13 अवयव है, इसमें 13 अवयव, कितना अवयव आपकी अवयव दे दिया 13 अवयव, तो 13 अवयव से आबयु की कोटि बताइए, 13 अवयव की कोटि, तो 13 अवयव की कोटि बताना, 13 का भी फैक्टर तोड़ेंगे, 13 का फैक्टर क्या 1 × 13 मतलब गुणनखंड और इसका इसका 13 का फैक्टर हो गया 1 × 13 और क्या हो सकता 13 × 1, तो यही फैक्टर क्या कहला जाता कोटि। तो आबयु 13 का कोटि क्या हो जाएगा 1 × 13, 13 × 1 और 24 का कितना हो जाएगा कोटियाँ 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6 और 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 18 अवयव हो जाए, कितने अवयव? 18 अवयव। यदि 18 अवयव हो जाए तब बताइए आवयव की कोटि। तो आवयव की कोटि 18 अवयव हो या 24 अवयव या 13 अवयव, कुछ भी अवयव हो उसके कोटि पूछेगा तो उस अवयव का फैक्टर तोड़ देंगे, उस एलिमेंट का क्या तोड़ देंगे? फैक्टर। तो 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता? 1 × 18 और 2 × 9, 3 × 6, फिर क्या हो सकता है? 6 × 3, 9 × 2 और 18 × 1, इतना ही फैक्टर टूटेगा। तो 18 अवयव, 18 का फैक्टर इतना ही टूटेगा। तो ये 18 अवयव से कितने अवयव की कोटि हो सकती हैं? 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2 और 18 × 1, यही हो गया आंसर। फिर कह रहा यदि इसमें 5 अवयव हो जाए, कितने अवयव? 5 अवयव। 5 अवयव हो जाएगा तो कितना होगा अवयव की कोटि? तो अवयव की कोटि इसमें 5 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 × 5 और 5 × 1, तो अवयव की कोटि कितना हो जाएगा? अवयव की कोटि 2 हो जाएगा, 1 × 5 और 5 × 1। तो क्वेश्चन नंबर चौथा करा 2 × 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, कितने अवयव की रचना करना? 2 × 2 कोटि की अवयव की रचना करना। जब अवयव दिया हुआ ए आई जे बराबर आई प्लस जे की होल स्क्वायर बाई 2, तो इतने अवयव, इतने ऑर्डर की अवयव की जब हमें अवयव की रचना करना है तो लेट करना पड़ेगा। ए बराबर कितना अवयव की रचना करना? 2 × 2 ऑर्डर की, तो लेट कीजिए ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। तो 2 × 2 ऑर्डर का अवयव की रचना करना, तो 2 × 2 ऑर्डर के अवयव की रचना मान लेंगे। अब इतना मानने के बाद अब जो अवयव दिया हुआ उस अवयव से सभी का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या अवयव दिया हुआ? ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। पहला रो पहला कॉलम का, तो पहला रो पहला कॉलम आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 कि क्या स्क्वायर बाई 2। तो क्या लिख सकते? 1 + 1 2 और का स्क्वायर और बटा में 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2, तो कैंसिल हो गया 2। तो अब फाइंड कर लेंगे इसका पहला रो दूसरा कॉलम का वैल्यू। तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर बटा में क्या? 2 बटा में 2। अब 2 × 1 = 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2। अब फाइंड कर लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम का भी। अब तो दूसरा रो पहला i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1, तो इसमें रख दीजिए 2 + 1 के होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 × 1 = 3, 3 × 9/2। अगले वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम इसका वैल्यू। तो i के जगह पे 2 हो गया, j के जगह पे भी 2, 2 + 2 की होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 × 2 = 4, तो 4 × 16/2, तो यहाँ कट कर दीजिए तो 8, क्या गया? 8। अब यहाँ से a बराबर वैल्यू रख दीजिए a 11 का वैल्यू क्या फाइंड हो गया? 2 और a 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या फाइंड किए? 9/2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या एलिमेंट फाइंड किए? 9/2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का क्या एलिमेंट किए फाइंड किए? 8। तो ए हो गया 8, तो ए फाइंड हो गया इस तरीके से। अब कह रहा फिर से 2 × 2 अवयव ए बराबर ए अवयव की रचना कीजिए जब अवयव क्या है? ए आई जे बराबर आई बटा जे, ए आई जे बराबर आई बटा जे। अब एलिमेंट इसको हटा के क्या लिख दिया? आई बटा जे होगा, तब अवयव की रचना कीजिए। तो देखिए जब हमें कह दे आ ए आई जे बराबर आई बटा जे हो जाए तब अवयव की रचना कीजिए,
तो इसको फाइंड करने के लिए कितना अभी की बोला था, दो गुना दो, तो लेट कर लेंगे दो गुना दो का, अभी की लेट कर दी। अब हमें अभी अब गिवन है ए आई जे बराबर आई बटा जे, तो इस अवयव के द्वारा इस अवयव को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब फाइंड कर लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस अवयव का वैल्यू ज्ञात करेंगे इसमें पुट करके, वन वटा वन मतलब वन। अब किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, आई के जगह पे वन और जे के जगह पे दो, तो वन वटा दो मतलब वन वटा दो। दूसरा रो पहला कॉलम रखिए, तो आई के जगह पे दो और जे के जगह पे वन, तो दो वटा वन तो दो। दूसरा रो दूसरा कॉलम रखी, तो आई के जगह पे दो और जे के जगह पर दो, तो दो दो कैंसिल हो जाएगा बचेगा वन। तो लिख दीजिए ए बराबर, इसका मान क्या निकला वन, इसका क्या मान निकला हाफ, इसका वैल्यू दो निकला, इसका वैल्यू क्या निकला वन। यही हो गया आंसर। जब अवयव ए आई जे और क्या हो जाए आई बटा जे, तो उस अवयव कैसा होगा इस तरीके से। अगला कह रहा फिर से दो गुना दो कोटि का अवयव ज्ञात कीजिए, जब अवयव क्या हो जाए ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे के होल स्क्वायर बाई टू। तो इसका भी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से लेट करना पड़ेगा ए बराबर ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, लेट कर दिए। क्या अवयव दिया हुआ, अवयव दिया हुआ ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई टू। अब सभी एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहले ज्ञात करेंगे पहला रो पहला कॉलम, तो वन प्लस वन के स्क्वायर बाई टू, तो एक एक दो, तो दो का स्क्वायर चार, चार बटा दो कैंसिल कीजिए दो। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे पहला रो दूसरा कॉलम का, पहला रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा वन प्लस टू के होल स्क्वायर बाई टू, दो एक तीन, तो तीन का स्क्वायर नौ बटा दो। अब ज्ञात कह लीजिए इस एलिमेंट का दूसरा रो पहला कॉलम, तो दो प्लस वन के होल स्क्वायर बाई टू, दो एक तीन, तीन का स्क्वायर बाई दो। फिर ज्ञात करेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट आई के जगह पे टू और जे के जगह पे टू, तो टू प्लस टू के होल स्क्वायर बाई टू, तो दो दो चार, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह वाटा दो कट गया आठ, तो क्या आ गया इस एलिमेंट आ गया आठ आठ। तो इसको लिख दीजिए ए बराबर ए वन वन का एलिमेंट का मान क्या आया दो, इसका मान क्या निकाल चुके हम लोग नौ बाई दो, इसका मान भी क्या निकाले नौ बाई दो, और इस एलिमेंट का भी अब क्या निकाले आठ। तो सभी का मान निकाल के इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे और यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों हो गया, तीनों एक जैसा था क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव फोर के जैसा कर रहा, थ्री इंटू फोर अवयव की रचना कीजिए। तो कितने ऑर्डर का, थ्री गुना फोर ऑर्डर की अवयव की रचना करने के लिए करा, जब अवयव ए आई जे बराबर हाफ मॉड माइनस थ्री आई प्लस जे गिवन है, और आई जे बराबर टू आई माइनस जे ए गिवन है, तब अवयव की रचना कीजिए। कितने ऑर्डर का, थ्री गुने फोर ऑर्डर का। तो जब थ्री गुने फोर ऑर्डर का अवयव की रचना करता है, तो हम लोग को लेट कह लेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर। ये हम लोग मान लिए तीन गुना चार ऑर्डर का, तीन गुने चार ऑर्डर का कोटि ऑर्डर का मान लिए। तो ए ऑर्डर का अवयव मानने के बाद जो अवयव दिया हुआ ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ वन बाई टू मॉड माइनस में थ्री आई प्लस में जे। अब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सभी एलिमेंट का वैल्यू
इसमें पुट कर फाइंड कर लेंगे। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं ए वन वन, मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आई के जगह पे वन हो गया, जे के जगह पे भी वन, तो माइनस थ्री इंटू वन प्लस में और जे के जगह पे भी वन, तो यहाँ पे एक बटा दो, तो माइनस थ्री गुना वन माइनस थ्री, माइनस थ्री में एक जुड़ेगा तो माइनस टू, माइनस टू का मॉड क्या मिलेगा, प्लस में टू, टू बटा टू कट गया तो वन, तो इसका वैल्यू क्या आ गया वन। अब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे पहला रो दूसरा कॉलम का, इसका वैल्यू वन बाई टू, आई के जगह पे जे हो गया है और जे के जगह पे टू, तो यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए आई के जगह पे वन और जे के जगह पे टू, तो इसको सॉल्व करेंगे थ्री गुना वन माइनस थ्री प्लस टू, तो माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू मॉड माइनस वन, माइनस वन का मॉड क्या मिलेगा प्लस में वन, तो वन बाई टू, तो इसका वैल्यू आ गया वन बाई टू। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब इसका, तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा वन और जे के जगह पे भी, और जे के जगह पे थ्री, जे के जगह पे थ्री, तो थ्री गुना वन माइनस थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा जीरो, तो जीरो इंटू हाफ, तो क्या मिलेगा जीरो। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे पहला रो चौथा कॉलम का, पहला रो चौथा कॉलम, तो आई के जगह पे वन, जे के जगह पे फोर हो चुका है, इसमें पुट कर दीजिए हाफ, माइनस में थ्री, आई के जगह पे वन और प्लस, जे के जगह पे क्या हो जाएगा फोर, फोर लिख लिए। अब यहां से हाफ माइनस थ्री गुना वन माइनस थ्री प्लस में फोर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वन, वन वाई हाफ, तो हाफ। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब इसका दूसरा रो पहला कॉलम, तो वाई के जगह पे हो गया दो, जे के जगह पे वन, तो हाफ मॉड माइनस थ्री टू प्लस में वन, तो तीन दूना छ, छ में एक घट जाएगा प्लस जुड़ेगा, तो प्लस माइनस में फाइव, माइनस फाइव का मॉड क्या देगा प्लस में फाइव बाई टू। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका वैल्यू, आई के जगह पे दो, जे के जगह पर भी दो, इसमें रख दीजिए वन बाई टू, तो माइनस थ्री टू प्लस में टू, आई के जगह पे टू, जे के भी जगह पे टू, तो इसको लिख लेंगे वन बाई टू, तीन दूना छ प्लस में दो, तो इसका मॉड क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए तीन दूना छ, दो जुड़ेगा तो माइनस चार, माइनस चार का मॉड क्या प्लस में चार बटा दो कट गया, तो वैल्यू आ गया क्या टू। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका मान, इसका मान आई के जगह पे हो गया टू और जे के जगह पे कितना थ्री, तो तीन दूना छ, छ यहाँ पे घटेगा तो हाफ माइनस में थ्री, नेगेटिव नेगेटिव को मॉड क्या कर देगा पॉजिटिव, तक क्या वैल्यू मिल जाएगा थ्री बाई टू। और दूसरा रो चौथा कॉलम, इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे दूसरा रो चौथा कॉलम, तो आई के जगह पर जे, आई के जगह पे टू और जे के जगह पे क्या हो गया फोर, तो तीन दूना छ और यहाँ पे प्लस में चार, माइनस में छो प्लस में चार, तो क्या आ जाएगा माइनस दो, माइनस दो का मॉड क्या मिलेगा दो, दो दो कट गया वैल्यू वन। तो दूसरा रो, अब तीसरा रो पहला कॉलम का मान निकालेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम, इसका मान, इसका मान आई के जगह पे कितना हो गया थ्री, थ्री और जे के जगह पे कितना हो गया वन, जे के जगह पे कितना हो गया वन, इसमें पुट कर देते हैं तो माइनस थ्री गुना थ्री, तो माइनस में नाइन प्लस में वन, तो क्या आ जाएगा और एट बाई टू, इसको कट कर देंगे तो फोर, वैल्यू फोर। अब हम लोग तीसरा रो दूसरा कॉलम, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो एक वटा दो, आई के जगह पे थ्री और जे के जगह पे क्या है टू, तो तीन तिया नौ, नौ माइनस नौ, हमें यहाँ पे प्लस दो ऐड होगा तो क्या मिलेगा
सेवन, तो सेवन बाई टू, निगेटिव को मोड क्या कर देगा पॉजिटिव। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम का मान निकालना, इसका मान तो आई के जगह पे तीन हो गया और जे के जगह पर भी तीन, तीन तिया नौ, तो माइनस नौ में तीन ऐड करेंगे तो प्लस में सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स का मॉड क्या मिलेगा सिक्स बाई टू, कट गया थ्री। अब हम लोग ज्ञात कह लीजिए तीसरा रो चौथा कॉलम, तो आई के जगह पे हो गया थ्री और जे के जगह पे फोर, तो तीन तिया नौ, माइनस नौ प्लस में चार, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तीन दिया नौ और नौ में चार जाएगा तो पाँच, माइनस पाँच का मॉड पाँच बाई टू। तो ये सभी का वैल्यू फाइंड हो गया, तो जब सभी का वैल्यू फाइंड हो गया तो अब यहाँ पे ए बराबर सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका मान क्या निकला, इसका मान निकाला गया वन, इसका वैल्यू क्या फाइंड किए, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए हाफ हाफ, पहला रो तीसरा कॉलम का वैल्यू जीरो और पहला रो चौथा कॉलम का भी अब क्या ज्ञात हुआ हाफ हाफ, फिर दूसरा रो पहला कॉलम का भी अब पांच वटा दो और फिर दो, पांच वटा दो और दो, फिर क्या हम लोग फाइंड किए तीन वटा दो वन, तीन वटा दो वन, फिर चार सात वटा दो, चार सात वटा दो, तीन और पांच वटा दो, ये हम लोग इस सब का इसका क्या कह लिए वैल्यू पुट कह लिए, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से थ्री इंटू चार कोटि का अभी ज्ञात कह लिए, जब अभी अब ए आई जे बराबर हाफ मॉड माइनस थ्री आई प्लस जे गिवन कर देगा। अब कह रहा यदि आई अभी अब ए आई जे बराबर क्या हो जाए टू आई माइनस जे हो जाए तब अभी की रचना कीजिए, तो उसी प्रकार से इसी प्रकार से फिर से ज्ञात कह लेंगे। इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करते थोड़ा, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा जैसे अभी हम लोग बनाए, इसको ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे मानना पड़ेगा फिर से आव्यूह को, ये कितना ऑर्डर का थ्री गुने चार ऑर्डर का आव्यूह को मान लेंगे। मानने के बाद ये अभी अब क्या दिया हुआ ए आई जे बराबर टू आई माइनस जे दिया हुआ, अब इस अवयव से ये सब का अवयव का इसमें पुट करके मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अवयव पुट कर रहे, पहला रो पहला कॉलम, तो आई के जगह पे वन जे के जगह पे वन, तो टू इंटू वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा दो गुना वन, दो माइनस वन तो वन, तो पहला रो दूसरा कॉलम इसका मान ज्ञात कह लीजिए दो गुना दो, दो गुना वन माइनस में दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो। पहला रो तीसरा कॉलम का मान निकाले टू इंटू वन माइनस में थ्री, तो वैल्यू माइनस वन। पहला रो चौथा कॉलम तो टू गुना वन माइनस में फोर, तो माइनस में टू। दूसरा रो पहला कॉलम इसका मान निकाले, सबको ऐसी एक जैसा है ना, एक जैसा सारा वैल्यू है, एक जैसा वैल्यू सभी का मान ज्ञात कह लीजिए, एक जैसा सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग ज्ञात कह लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब आई के जगह पे क्या हो जाएगा टू और जे के जगह पे भी दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा टू, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो इसका वैल्यू हो जाएगा टू इंटू टू माइनस थ्री, इसका वैल्यू वन। दूसरा रो चौथा कॉलम दो गुना दो माइनस में चार, वैल्यू जीरो। तीसरा रो पहला कॉलम इसका मान निकालना, तो आई के जगह पे थ्री जे के जगह पे वन, तीन दूना छ में घटेगा पाँच। तीसरा रो दूसरा कॉलम दो गुना थ्री माइनस में दो, तो छ में दो घटेगा चार। तीसरा रो तीसरा कॉलम मतलब थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री, तीन तिया नौ मतलब छ। अब यहाँ पे आ गया तीसरा रो चौथा कॉलम का वैल्यू ज्ञात करें इसका, तो टू गुना सॉरी यहाँ पे तीन दूना छ, छ में से तीन घटेगा तो थ्री आएगा, तो यहाँ पे थ्री माइनस में फोर, तीन दूना छ में चार घटेगा दो। अब इसका वैल्यू सबका सही एलिमेंट का वैल्यू इस एलिमेंट में पुट करके ज्ञात कह लिए।
अब सबका मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 0 -1 माइनस में 2 3 और यहाँ पे 2 1 0 5 और 4 3 2। ये हम लोग सभी का वेल्यू याद कर लिए। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5 का सेकेंड। तो ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कर रहा, इसमें एक्स बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए जब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों जब बराबर आव्यूह है तो एक्स बाई का मान ज्ञात करेंगे कैसे। बराबर आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, सेम होते हैं। 4 किसके बराबर होगा और बाई के, तो यहाँ पे 4 बराबर बाई, तो बाई का वैल्यू कितना ज्ञात हो गया 4। तो 3 3 किसके बराबर, जेड के बराबर, तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा जेड बराबर कितना 3। अब एक्स एक्स किसके बराबर, 1 के बराबर, एक्स बराबर 1, तो 5 5 के बराबर, तो एक्स बाई जेड का वैल्यू ज्ञात हो गया। तो क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ भी कह रहा है ये दोनों बराबर आवयव है, तब इसका एक्स बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो बराबर आवयव है तो हम लोग सभी जानते हैं संगत अवयव क्या होते हैं, सेम। तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या से 6 होगा। समीकरण फर्स्ट बना लीजिए, 2 2 के बराबर होगा, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो जेड बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 5, तो जेड बराबर 0। यहां से क्या कह लीजिए, एक्स बाई किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। यहां से बाई का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो 8 वटा f। समीकरण सेकेंड समझ लीजिए। अब बाई का मान समीकरण किस में रख दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई का वैल्यू कितना, 8 वटा x बराबर में 6। तो एलसीएम ले लीजिए x, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8 बराबर में 6। एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर में 6x, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8 बराबर में 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा इसका 4 2 8, तो 4x माइनस में 2x प्लस में 8 बराबर 0। अब दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो x कॉमन, तो x माइनस 4, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन 2, तो x माइनस में 4 बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 4 और बच जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और यहाँ से x बराबर 2। ये फाइंड हो गया x का मान। अब x का मान समीकरण किस में रख दे, थर्ड सेकेंड में रख दे। तो सेकेंड में रखेंगे तो बाई x का मान अगर 4 रख दे, तो x का मान 4 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 2 आएगा, और अगर x का मान 2 रख दे तो क्या आ जाएगा 4। तो बाई का वैल्यू 2 और 4 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 4 और 2 आएगा, और जेड का वैल्यू कितना 0। ये हो गया आंसर। इसमें एक्स बाई जेड का मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड इसमें कह रहा है एक्स बाई जेड का वैल्यू इसमें फाइंड कीजिए। इसमें एक्स बाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन एक्स प्लस बाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और यहां से एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण सेकेंड समझिए। और बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड बराबर 7, समीकरण इसको थर्ड समझिए। अब यहाँ से
वाई प्लस जेड का मान समीकरण किस में रख दे, फर्स्ट में। तो वाई प्लस जेड का मान समीकरण किस में रख दे, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में रख दीजिए तो यहाँ पर x, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 7 बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 तो x बराबर 2 ज्ञात हो गया। अब x का वैल्यू समीकरण सेकेंड में रख दे तो x का मान समीकरण किस में, सेकेंड में रखने पर। तो सेकेंड में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस में जेड बराबर 5 तो जेड बराबर क्या 3 मिल जाएगा, 2 को इधर घटाएंगे। अब जेड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखिए, थर्ड में जेड का मान बाई प्लस जेड का मान कितना 3 बराबर 7 तो बाई बराबर 3 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। एक्स का मान हम लोग को ज्ञात हो गया 2, बाई का वैल्यू ज्ञात हो गया क्या 4 और जेड का वैल्यू 3, यही हम लोग को ज्ञात करना था। ये दो इक्वल मैट्रिक्स दे दिया और कह दिया एक्स बाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर से वही यहाँ पे क्या गिवन कर दिया, इक्वल मैट्रिक्स। जब दोनों इक्वल मैट्रिक्स बराबर अवयव है तो इसके संगत अवयव क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत अवयव क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके संगत अवयव को सेम कर दीजिए, ए माइनस बी बराबर माइनस 1 समीकरण फर्स्ट। फिर यहां से ले लीजिए 2a माइनस बी इक्वल होगा किसके, 0 के समीकरण सेकेंड। तो 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण थर्ड। और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 समीकरण 4। तो देखिए इसको सोल्व करते समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो बी बी कैंसिल, तो प्लस में बी माइनस प्लस में ए माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बराबर में माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस कैंसिल तो ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 हो गया। अब ए का मान समीकरण किस में रख दे, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में रख दे समीकरण फर्स्ट में, ए का वैल्यू 1 माइनस बी बराबर माइनस 1 तो 1, माइनस 1 को आर एल एच एस तरफ लाएंगे तो प्लस में 1, बी को आर एस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में बी, तो 1 1 2 बराबर बी, तो बी का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 2। अब यहां से ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रख दीजिए तो ए का मान, तो 2, ए का मान क्या ज्ञात हो चुका है 1, तो 1 प्लस में सी बराबर 5 तो 2 गुना 1 2 प्लस सी बराबर 5 तो सी इधर 2 जा घट जाएगा तो 3, सी का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 3। अब सी का मान किस में रख दे, समीकरण 4 में, तो सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में तो 3 × 3 प्लस में डी बराबर 13 तो 3 × 9 प्लस डी बराबर यहाँ पे 13 तो D का मान, तो 9 इधर जाके घटा दीजिए तो 9 × 4 = 13 कितना हो जाएगा 4, तो सबका वैल्यू फाइंड हो गया A B C और D का। हम लोग का ही ज्ञात करने के लिए कहा था A B C D, तो इसको आंसर में ऐसे लिख देंगे A B C D का वैल्यू क्या जाएगा, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 4, ये आ गया आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है एट एट क्या रहा ए बराबर ए आई जे एम इन टू एन एक वर्ग आव्यूह है, तो इसमें कह रहा इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा बी होगा सी या डी। तो जब वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इन टू एन या वर्ग आव्यूह कब कहलाता है, जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो जाए, एम बराबर ए ना एम आपका रो है एन कॉलम, अगर रो और कॉलम की संख्या सेम हो तो क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह, एम बराबर एन अगर दोनों इक्वल है तो क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह।